तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम सभी लोग जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका नामक पाठ की इस कड़ी में इस वीडियो के द्वारा प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर के बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग जो है लास्ट के वीडियो में कोशिका, पादप कोशिका की संरचना के बारे में पढ़े हैं। उसकी संरचना के बारे में हम लोग जो है अध्ययन किए हैं, और उसकी संरचना कैसे बनाई जाएगी इसको भी हम लोगों ने सीखा है। हालांकि पादप कोशिका जो होती है वह यूकैरियोटिक कोशिका से बिलोंग करती है, यूकैरियोटिक कोशिका की उदाहरण है। लेकिन पादप कोशिका को पढ़ लेने से, उसकी संरचना को जान लेने से, उसके भाग को जान लेने से अब हम लोगों को क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर है वो स्पष्ट समझ में आ जाता है। इसीलिए जो है हमने पहले ही आपको कोशिका की संरचना को बता दिया, और अब जो है इस वीडियो में हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए बिना देर करते जो है हम लोग समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक को कहते हैं कोशिका को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इंग्लिश में भी वर्ड भी जानना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। जैसा कि जो वर्ड है, जो शब्द है, इसमें प्रो और प्लस कैरियोटिक, तो इसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। कैरियोटिक से शब्द आया है कैरी ऑन, कैरी ऑन मीन्स होता है न्यूक्लियस, अर्थात प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो ऐसे कोशिका, ऐसी सेल जिनके पास जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है, वो किस तरह का है? प्रिमिटिव टाइप का है, पुरानी है, आद्य जो केंद्रक है जिनके पास, तो ऐसी कोशिका को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इधर आते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। तो यू में यू यू का मतलब होता है ट्रू, वेल डिफाइंड, ओके। और कैरी ऑन का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिनके पास जो केंद्रक है वो सुविकसित केंद्रक है, पूर्ण विकसित केंद्रक है, अर्थात वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिनके पास, तो ऐसी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो अब आइए हम लोग जो है फटाफट जो अर्थ हम लोग समझ चुके हैं और कुछ मेजर डिफरेंस को समझ लेते हैं, कुछ प्रमुख अंतर को समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज के साथ साथ जो है कुछ ऐसे पॉइंट होने चाहिए हम लोगों के पास, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए डिफरेंस, अंतर पूछा जाए, तो उसको भी हम लोग रिटन वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो कैसा है? अविकसित है। ठीक है, आप समझ चुके हैं कैसा है? अविकसित है, क्योंकि कोशिका ही क्या है? प्रिमिटिव टाइप की है। तो इसका केंद्रक कैसा है? अविकसित है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो क्या है? विकसित है, अर्थात पूर्ण विकसित है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अविकसित और फिर विकसित किस तरह से कहा जा सकता है। तो आप जो है आगे के वीडियो में केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे या आप जानते भी होंगे। तो अगर केंद्रक के पास जो है केंद्रक कला उसकी बाउंड्री नहीं है, ठीक है, और उसके पास केंद्रिका नहीं है, केवल उसके पास क्या है? उसके पास केंद्रक के नाम पर केवल जो है उसका जेनेटिक मटेरियल है, अर्थात जिसके पास केवल जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन धागे, तो हम लोग जो है ऐसे केंद्रक को अविकसित केंद्रक कहेंगे, जो कि आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के जो केंद्रक है, उसके केंद्रक के पास जो आउटर बाउंड्री है, केंद्रक कला है दोहरी स्तर की, और उसके अंदर जो है केंद्रक द्रव्य है, उसमें केंद्रिका भी है, क्रोमेटिन ट्रिट्स, तो अवश्य बात है ही। तो इस प्रकार जो है इसका केंद्रक क्या है? अविकसित है ना, और इसका केंद्रक क्या है? सुविकसित है, पूर्ण विकसित है। तो प्यारे बच्चों, जो है प्रोकैरियोटिक की जो अविकसित केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक के पास केंद्रक कला नहीं है, इस तरह से इनका जो क्रोमेटिन धागा होता है वो नेकेड होता है, इसलिए इनके क्रोमेटिन धागों को, इनके जेनेटिक मटेरियल को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे? जी हाँ, न्यूक्लियोइड कहेंगे, याद रहे। आइए अब हम लोग जो है आगे का अंतर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः क्या होता है? छोटा होता है। ऑब्वियस बात है कि पुरानी है, तो इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। और मैक्सिमम जितने भी सारे देखा जाए यूनिसेलुलर जो आपके जो
ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, साइज इनकी देख सकते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर तक की होती है, ओके। और जबकि इनका आकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्राय क्या होता है, बड़ा होता है, और इसकी भी साइज है 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है बच्चों। तो 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, बराबर 10 to power -6 मीटर होता है। अब आइए हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं अंदर। बहुत सारे जो है कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर के जो अंगक होते हैं बहुत सारे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, चूंकि बहुत ही पुरानी कोशिका है तो उनमें जो है ये सारे अंगक नहीं पाए जाते हैं ना, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे अंतःप्रद्रव्यी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ओके, गोल्जी काय गोल्जी बॉडी, लयन काय लाइसोसोम्स, रिक्तिका वैक्यूल और तो और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ओके। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ठीक है, इसमें ये सारे कोशिकांग क्या होते हैं, होते हैं, उपस्थित होते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस अंतर को जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसको कॉपी पे नोट्स बना लीजिए। इस तरह से हो सकता है आप एक क्वेश्चन भी कर दें कि सर चलिए भाई ये सारे कोशिकांग नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास नहीं है तो किस तरह से ये एनर्जी जनरेट करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कोशिका कला की, तो वहां पे जो है मेसोसोम्स पाए जाते हैं, उनसे मेसोसोम्स बनते हैं, वो मेसोसोम्स एनर्जी का वर्क करते हैं, ठीक है, एनर्जी देने का वर्क करते हैं। अब आइए हम लोग ये नेक्स्ट अंतर पढ़ते हैं कि एक कोशिका अंगक है जो कि दोनों में है, ठीक है, और लेकिन ये याद रहे कि प्रोकैरियोटिक में जो है 70S टाइप का राइबोसोम्स उपस्थित होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स तो आप जानते ही होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है, प्रोटीन के निर्माण में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में केवल 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S तथा 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो 80S नॉर्मल सी बात है, उनकी कोशिका द्रव्य में है, जबकि 70S जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, उनके जो है द्रव्य में पाया जाता है। इस प्रकार दोनों तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब आइए जो है कुछ चीजें जो है अगर इसमें उपस्थित है अनुपस्थित है, तो आगे बढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है, जबकि जो है यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है उनके जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल उपस्थित होता है। तो इस तरह से हम सभी लोग जो है ये सारे अंतर जान लिए। और अब आते हैं प्यारे बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से जिनकी बॉडी बनती है उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनकी बॉडी जो है यूकैरियोटिक कोशिका से बनती है उनको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। तो जितने भी सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जो है ये सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यूकैरियोटिक कोशिका से जिनकी बॉडी होती है तो वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको जो है यूकैरियोटिक कोशिका के भी मिल जाएंगे कि जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जैसे ईस्ट है, अमीबा है, युगलिना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। खैर हम लोग सीख रहे हैं कि जिनका शरीर जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स, जिनका शरीर जो है यूकैरियोटिक कोशिका से बना है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स में जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, नीले हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा भी इसमें एग्जाम्पल आ चुका है जो कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, जबकि यूकैरियोट्स में कवक आ गए, फंजाई आ गए, ठीक है, पादप प्लांट्स आ गए छोटे से लेके बड़े तक, और जंतु आ गए, जंतु में हम लोग भी आते हैं, मानव ह्यूमन बींग्स भी आ गए। तो ये सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट्स के एग्जांपल हैं, ओके। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह अंतर समझ में आया होगा, ओके। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सभी लोग जो है जो यूकैरियोटिक कोशिका के हम लोगों ने एग्जांपल्स को पढ़ा, जैसे कि पादप कोशिका हो गई, जंतु कोशिका हो गई, कवक की कोशिका हो गई, तो आइए अब हम सभी लोग जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच क्या अंतर होता है इसको भी जान लें, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत तेजी से आता है।
तो आइए सिमिलैरिटी तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि दोनों क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है, बट डिसिमिलैरिटीज को जानना है, अंतर को जानना है, डिफरेंस को जानना है। तो पादप कोशिका एक तरफ है, दूसरी तरफ जंतु कोशिका है, और इतने सारे अंतर जो है लिखे हैं, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं जो है फटाफट इसको समझा देता हूं, ठीक है। आइए, जो पादप कोशिका होती है, कह रहा है कि ये कोशिकाएं स्वपोषी होती हैं। पादप कोशिकाएं क्या होती हैं? स्वपोषी होती हैं, ठीक है। और इनसे जो बना जीव जो होता है, पादप कोशिकाओं से जो जीव बनता है उनको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। वो खुद ही भोजन बनाते हैं। तो भैया ये स्वपोषी क्यों है? तो स्वपोषी इसलिए है क्योंकि इनकी कोशिकाओं में पर्णहरीन क्लोरोफिल पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, खुद भोजन तैयार कर लेता है। उदाहरण में सभी ग्रीन पेड़ पौधे है ना, सारे के सारे जो है ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। आइए, जंतु कोशिका क्या है? जंतु कोशिका, ये कोशिकाएं परपोषी होती हैं क्योंकि इनकी कोशिकाओं में जो है पर्णहरीन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये कोशिकाएं परपोषी होती हैं, ठीक है। और इनसे जो बना जीव है वह परपोषी होता है, हेटरोट्रॉप्स होता है, और भोजन के लिए जो है दूसरों पे, दूसरे जीव पे डिपेंड होता है, जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका में एक उदाहरण छोड़ दिया जाए, युगलीना को छोड़ करके बाकी जितनी भी जंतु कोशिकाएं हैं वो सारी जो है परपोषी होती हैं। तो आइए हम सभी लोग जो है अब जो है दूसरे अंतर को देखते हैं कि पादप कोशिकाएं में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। तो इस तरह से देखा जाए कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जिसको सेलवॉल कहते हैं वो उपस्थित है, जबकि जंतु कोशिका में जो है कह रहा है कि इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति सेलवॉल नहीं होता है। अर्थात देखा जाए तो पादप कोशिका में इस तरह से जब कोशिका भित्ति सेलवॉल भी है तो इसके साथ साथ जो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोशिका कला भी होगा। तो इस तरह से कोशिका जो पादप की कोशिका है उसमें जो है दो तरह के जो है लेयर हो गए, ठीक है, दो प्रकार के लेयर हो गए, दो तरह के स्तर हो गए, एक कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन और दूसरी क्या हो गई भाई, कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो जो कोशिका भित्ति है यह जो है डेड होती है, या डेड मटेरियल सेलुलोज से बनी होती है, जबकि कोशिका कला जो है जो जीवित होती है और यह लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। कुल मिला जुला के पादप कोशिका में दो लेयर है, ठीक है, कोशिका कला के साथ साथ इनमें कोशिका भित्ति भी होता है, जबकि जो है इनमें एक ही लेयर होता है केवल कोशिका कला ही है, जबकि कोशिका भित्ति क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, नहीं है। तो कोशिका कला ही है, ठीक है, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से बना है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पादप कोशिका में तीसरा अंतर देखते हैं कि तारक का सेंट्रियोल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। सेंट्रियोल जो है विभाजन में, कोशिका के विभाजन में मदद करता है। तो पादप कोशिका में जो है ना तारक काय सेंट्रियोल क्या होता है, अनुपस्थित होता है, और जबकि जो है जंतु कोशिका में तारक काय जो सेंट्रियोल होता है वह उपस्थित होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और लास्ट अंतर देखते हैं कि पादप कोशिका में रिक्तिका वैक्यूल्स होता है। क्या होता है? वैक्यूल्स होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें वैक्यूल्स काफी बड़ा भी हो सकता है, 50-90% का एरिया कवर करता है, 50-90% तक का एरिया जो है सेल के अंदर का यह कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो केंद्रक होता है वह जो है सेंटर में नहीं होता है, वो वन साइडेड लगभग हो जाता है, एक तरफ जो है थोड़ा सा दब जाता है। जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही छोटा होता है, माइन्यूट होता है। तो प्यारे बच्चों, ये अंतर था आप सभी लोगों के सामने, 4-5 ये अंतर थे जो कि पादप और जंतु कोशिका में विभेद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है मेरे इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर करें, ताकि मेरा हौसला इसी तरह से बढ़ता रहे और मैं जो है नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक, नए नए जो है चैप्टर पर जीव विज्ञान से संबंधित बनाता रहूं। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।